हाय गाइस, आई एम शिवम गुप्ता। वेलकम टू मॉक जोन एमबीए प्रिपरेशन। सो गाइस, एमबीए सीईटी स्लॉट वन इज फाइनली ओवर। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्लॉट वन डिटेल्ड एनालिसिस की पेपर कैसा था और कैसे कैसे टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, ओवरऑल लास्ट ईयर से कैसा था, सब कुछ बात करने वाला हूँ। गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से वीडियो पर आ जाएगा, काफी लोग के लिए बजाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोज बन रहे हैं, बी इट अ स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बी इट अ कंटेंट बेस्ड वीडियो और बी इट अ नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, हम लोग का सीईटी सीमैट का डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि अभी अब काफी लोग सीमैट देने वाले होंगे, इसलिए हेल्प होगा। ठीक है, चलो गाइस। सो गाइस, आफ्टर ए टफ स्नैप एंड एसआरसीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम थोड़ा सा रिलेवेंट लगा काफी लोगों को। ठीक है, बिकॉज सीईटी एग्जाम जो था उसमें क्वेश्चन डुएबल थे, जैसा आप लोग पढ़ते हो उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो काफी लोगों से मेरी बात हुई है, काफी लोगों को ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट लगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट काफी अलग लेवल के इश्यूज हुए हैं। जैसे काफी लोगों का एग्जाम 1 घंटे बाद स्टार्ट हुआ, कुछ लोगों का एग्जाम तो अभी 12 बजे तक स्टार्ट ही नहीं हुआ था, सर्वर डाउन वगैरह का बता रहे थे इशू। ठीक है, एंड ये सब इशूज की वजह से काफी प्रेशर आ जाता है माइंड में, क्योंकि तो जब आपका माइंड फ्रेश रहता है तो आप अच्छा परफॉर्म करते हो। इस तरह के इशूज काफी हुए। ठीक है, तो उस वजह से गड़बड़ हुआ है। ठीक है, अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग इशूज आए हैं, बट बात करूँ अगर पेपर की, ओवरऑल पेपर वॉज यू कैन से इजी टू मॉडरेट लेवल। ठीक है, पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल पे था, बट गाइस याद रखो, पेपर अगर इजी टू मॉडरेट ज्यादा होता है तो फिर कट ऑफ भी थोड़ा ऊपर जाता है। ठीक है, तो गाइस अब बात करते हैं सेक्शन बाय सेक्शन। पहली चीज गाइस ये है कि पेपर, देखो पेपर आपका सेक्शनल तो नहीं था, मतलब एक तरह से जम्बल नहीं था, बट स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन एलआर के थे। ठीक है, ऊपर कुछ मेंशन नहीं है सेक्शन, बट उन्होंने ऐसे अरेंज किया इसको कि सेक्शन जैसा हो रहा है। स्टार्टिंग में एलआर, फिर वीए, फिर क्वांट, फिर अब्स्ट्रैक्ट, ऐसे। ठीक है, मतलब पहले 1 से 75 क्वेश्चंस आपके एलआर के थे, फिर बाकी क्वेश्चंस आपके मान लो 50 क्वेश्चंस वीए के थे, फिर 50 क्वेश्चंस आपके क्वांट के थे, फिर 25 आपके एब्स्ट्रैक्ट के थे। इस तरह से अरेंज किया था एग्जैक्टली। ये जम्बल नहीं बोलेंगे इसको, जम्बल में क्या होता है, पहला क्वेश्चन एलआर, फिर वीए, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन क्वांट, ऐसा इस तरह पेपर आया था। ठीक है, बट यू कैन नॉट से बाकी स्लॉट में क्या होगा नहीं पता। ठीक है, तो कोई ऐसा एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि जब जम्बल ज्यादा आता है तो ज्यादा आपका माइंड लगता है कि यार क्वांट आ गया, एलआर आ गया। ठीक है, इस तरह की चीज यहाँ पे नहीं थी। अब बात करते हैं गाइस एक बार सेक्शन बाय सेक्शन पे। तो गाइस, क्वांट्स का लेवल इजी टू मॉडरेट था। एक जो नॉन के लेवल क्वांट्स में होता है, जो सारी वैरायटी आती है, वो सब आई थी। मेजरली इस बार इस लॉ में फोकस इन्होंने अर्थमेटिक नहीं किया है, अर्थमेटिक के ज्यादा क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी के सुनने में आ रहा है 4 से 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, अर्थमेटिक हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, अर्थमेटिक में टाइम इनवर्व वगैरह है, बाकी सिंप्लीफिकेशन का शायद एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो और डीआई का एक पाई चार्ट था, इजी था, तो पेपर ओवरऑल इजी था। बट गाइस आप लोग ये मत गलती मत करना, काफी लोग सोचते हैं स्लॉट वन में अर्थमेटिक ज्यादा आएगी तो अर्थमेटिक पढ़ेंगे बाकी छोड़ देंगे, ऐसा मत करना। क्योंकि मेरे स्लॉट में लास्ट ईयर 15 क्वेश्चन नंबर्स के आ गए थे, और उसके पहले स्लॉट में अर्थमेटिक के आए थे। तो गाइस आप कुछ नहीं बोल सकते, अगर ये स्लॉट में अर्थमेटिक ज्यादा आई तो हो सकता है अगले स्लॉट में अलजेब्रा ज्यादा आ जाए, हो सकता है थर्ड स्लॉट में नंबर ज्यादा आ जाए। तो आपको बिल्कुल भी स्लॉट पे डिपेंड नहीं होना है, ना ही स्लॉट की डिफिकल्टी पे होना है, ना उसमें। तो मतलब ये मत करो कि ऐसे आपका एग्जाम कल आएगा तो आज आप खाली अर्थमेटिक ही पढ़ रहे हो, ऐसा मत करो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि तो जहां से मैंने सुना है आज अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री नाक बराबर आई, बट ऐसा नहीं बोल सकते किसी भी स्लॉट में। ठीक है, तो गाइस इजी टू मॉडरेट, जिसने ढंग से पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेगा स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि लोगों ने काफी अटेम्प्ट करे हुए। बात करूँ गाइस एलआर की, तो एलआर में भी कोई बहुत टफ रिस्पॉन्स नहीं, वो भी इजी टू मॉडरेट ही है। ठीक है, पजल्स आए थे, दोनों मैंने ट्रिक क्या करी, स्टार्टिंग में आपको पजल दे दिए, 3 स्टार्टिंग के 12-13 क्वेश्चन पजल्स के थे, बहुत हाई लेवल नहीं थे, ठीक थे, डिसेंट थे, मॉडरेट लेवल के पजल्स थे, अगर प्रैक्टिस करी तो कर ले जाओगे आप। ठीक है, तो वो देख के काफी बच्चे, काफी स्टूडेंट्स फंस गए, नर्वस हो गए, ने बोला भी था आपको कि आपको पजल्स पहले नहीं करने हैं, बट करे लोगों ने, पजल्स आए। उसके अलावा आपका डायरेक्ट ब्लड रिलेशन से आपके करीब 3 से 4 क्वेश्चन आए। ठीक है, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आया, कैलेंडर्स का क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ये सब रहा है जैसे नॉर्मल चीजें रहती हैं, कुछ नया नहीं है, ऐसा कुछ पेपर में नया नहीं था कि जो लगे कि हाँ बहुत न्यू, आगे कहीं पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो ओवरऑल एक स्टूडेंट ने जो ढंग से पढ़ा है, सारी वैरायटी करी है, उसको चल रहा है उसका, लोगों के अटेम्प्ट्स हैं, मेरी बात हुई है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हाँ 130-140 स्कोर आ जाना चाहिए उनका, क्योंकि और सभी का आ जाएगा वो उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर नॉर्मली था। तो ऐसा हो सकता है भाई, अगर 140 अगर आ रहा है तो हो सकता है कट ऑफ जेवी का 160-150 चला जाए फर्स्ट लॉट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी क्वांट्स हो गया, एलआर हो गया, हो गया वीएआरसी। वीएआरसी में गैस आरसी थे, सुनने में आ रहा एक आरसी काफी ज्यादा था, एक आरसी कम था,
टोटल 13-14 क्वेश्चंस आरसी के थे, ठीक है। बाकी आपका पैरा जंबल सुनने में आ रहा नहीं था, जहाँ मेरी बात एक स्टूडेंट पे कॉल से, उसने बोला कि पैरा जंबल नहीं थे, बट हाँ फिलर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सुनने में आ रहा है 3 से 4 क्वेश्चन, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स के, सिनोनिम्स एंटोनिम्स प्लस वन वर्ड मिला के करीब 8 से 9 क्वेश्चन थे, और फिलर जो थे, फिल द ब्लैंक्स, वो 4 से 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो वो चीजें अपार्ट फ्रॉम दैट यही सब था इसमें, तो ग्रामर, ग्रामर के एरर स्पॉटिंग के 5 क्वेश्चन। तो अगेन जो चीज आपने सुनी वही चीज थी, और कोई बहुत टफ नहीं थे, अगर आपने वोकैबुलरी ढंग से पढ़ी है। यूट्यूब पे मेरा 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 वीडियोस हैं, आपने अगर वो देख रखे तो आप कर ले जाते। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अभी 5 दिन पहले वीडियो बनाया था कॉल्ड एंड मीन्स कॉन्सेप्ट, कि इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, ये सब मैंने कंफ्यूजन बताया था। एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन आए इसमें, तो किसी को अगर कंफ्यूजन रहा होगा कॉल्ड एंड मीन्स गलत हो गया होगा, तो वो 2 क्वेश्चन थे उस पर, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि आपको सारे वीडियोस को देखना है, हम लोग कंटेंट बेस्ड, इवन स्ट्रेटेजी बेस्ड, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अच्छा रहेगा आगे के। बात करें अगर एब्स्ट्रैक्ट की, तो एब्स्ट्रैक्ट भी मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस थी, और इजी क्वेश्चन ही थे, ऐसा कुछ टफ नहीं बोला मैंने। तो अभी तक जितने लोगों से बात हुई, किसी ने ये नहीं बोला कि ये सेक्शन टफ था, वो सेक्शन टफ था, ओवरऑल सबको पेपर इजी टू मॉडरेट लगा, ओवरऑल भी, और हर सेक्शन वाइज, ऐसा नहीं कि एलआर बहुत टफ आ गया हो, वीए बहुत ईजी आ गया हो, सब बैलेंस था, ठीक है। अगर स्लॉट वन तो ठीक था, आपने अगर अच्छे से किया, ज्यादा अटेम्प्ट करें, एक जनरल अटेम्प्ट करें, ठीक है। और आप अब देखो कट ऑफ तो अभी नहीं बोल सकते कितना जाएगा, बट क्योंकि बाकी स्लॉट्स पर डिपेंड करता है क्या है, बाकी स्लॉट्स का कैसा आता है। मैं बस यही सोचता हूँ कि अगर सारे स्लॉट्स का लेवल एक ही ऐसा हुआ तब अच्छा रहेगा, बिकॉज जब ज्यादा इजी स्लॉट आ जाता है, बाकी स्लॉट टफ हो जाते हैं, तो कुल गड़बड़ जाता है उस केस में, ठीक है। तो आई होप कि सारे स्लॉट्स बराबर रखे हैं लोग, ऐसा ना करें कि स्लॉट सब टफ दे दें, स्लॉट इजी दे दें, ठीक है, उससे काफी इशू हो सकता है। तो ये भी आपका इजी टू मॉडरेट। तो गाइस ये पेपर हो गया है, अब कल जो स्टूडेंट्स देने वाले हैं उनको मैं यही बोलूंगा, चिल रहो, ज्यादा सोचो मत, बस मैं ये बोलूंगा कि आप लोग पजल्स में फंसना मत, बाद में करना, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उनको 180 मिनट्स मिला है, बट गाइस 180 मिनट्स मिला नहीं है, आपके टाइमर में 180 लिखा था, बट आपका एग्जाम 30 मिनट्स बाद स्टार्ट हुआ सर्वर की वजह से, ऐसा कुछ हुआ है, तो आपका एक्चुअली में 150 मिनट ही मिला हुआ है। तो ये कन्फ्यूजन मत रखो कि आपको 3 घंटे मिल गए एग्जाम में, न्यू स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी पेपर अच्छा था, मॉक्स से रिलेवेंट था, काफी लोगों ने बोला कि मॉक्स से क्वेश्चन आए थे, क्लासेस से क्वेश्चन आए थे, क्लासेस ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन थे, बिकॉज सब कुछ डिटेल पढ़ाया ही गया है। वो तभी हो सकता है जब बिल्कुल ही इररिलेवेंट पेपर आ जाए, मतलब कुछ मतलब ही नहीं उस पेपर का, वरना क्लासेस से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बिकॉज हम लोग कोई वैरायटी छोड़ते ही नहीं क्लास में। नंबर्स और अर्थमेटिक की करीब 38 से 39 क्लासेस की अर्थमेटिक की, तो काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, मैं डालूंगा यूट्यूब पे रिव्यूज बच्चों के, स्टूडेंट्स के, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ, एक्चुअली लेट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो। बाकी गाइस आप 27 से हम लोग का डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है, इतने से गारंटीड बैच है, अगर आप चाहते हो निकालने तो रोक नहीं पाएगा, बहुत बड़ी बात होती है 40% रिफंड करना, क्योंकि मुझे भरोसा है कि हम चाहेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं काफी डिटेल में, एश्योरेंस कोर्स है गाइस, अभी से लेकर अगले साल तक जितने भी एग्जाम्स है सबके कोर्सेज, सबकी डेसरी, सबका जीडीपी, सब कुछ मिलेगा आपको, प्राइसिंग बहुत इकोनॉमिकल है, 29,500 ओनली विद एश्योरेंस कोर्स रिफंड। आपको कैट का भी कोर्स 20 से 22 हज़ार का मिलेगा मार्केट में, सिर्फ कैट का कोर्स, ठीक है, विदाउट एनी एश्योरेंस, ठीक है। और टॉप 30-20 स्कूल्स बहुत ही अच्छे स्कूल्स हैं ये, ऐसा नहीं कि कोई रैंडम डाल दिया मैंने, जो वाकई टॉप 30 में वही डाल देंगे, ठीक है। एनरोलमेंट्स क्लोज होने वाले हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप कंप्लीट एमबीए भी ले सकते हो, सिर्फ कैट भी ले सकते हो, और सेक्शन लेना है अगर किसी क्वांट्स बहुत वीक है बाकी ठीक है, क्वांट्स कोर्स भी ले सकता है, काफी डिटेल्ड है, नॉन कैट प्लस कैट सब कुछ कवर्ड है। एलआरडीए हम लोग का बहुत ही प्रॉमिसिंग कोर्स होने वाला है, बिकॉज एलआरडीए में वी हैव नाउ 3 फैकल्टीज फॉर एलआरडीए, एलआरडीए 4-5 साल से टफ ही आ रही है, तो इस बार हमको एलआरडीए में बहुत ढंग से काम करना है, हम लोग कोई भी चीज छोड़ने वाला नहीं है एलआरडीए में, एग्जाम तक आपको एलआरडीए की प्रैक्टिस कराई जाएगी, टॉपिक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस शीट होगी, सब कुछ रहेगा, ठीक है। आप 400-500 ढंग के सेट्स करके जाओ, बट इंटरेस्ट लेना पड़ेगा खुद। बाकी वीआरसी जो है बहुत ही अच्छा कोर्स है, ब्रजेश पांडे सर का बोधी प्रेप, काफी अच्छा कोर्स है, ठीक है। तो ये डेडिकेटेड कोर्स है, अगर आप रेडी हो तो कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो गाइस हम लोग का सीमैट का मिनी क्रैश कोर्स भी आप देख सकते हो, सब कुछ कवर्ड है, 1099 का है, सीडी के काफी अच्छे रिव्यूज हैं, यहाँ पे शॉर्टकट्स, इनोवेशन सेक्शन, जीके सेक्शन सब कुछ कवर्ड है, थ्योरी हैंडआउट्स, प्रैक्टिस शीट सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको, लाइव जूम प्लस प्रैक्टिस सेशन वगैरह भी हैं यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। नंबर लास्ट ईयर का रिजल्ट है इस बार का, आई होप अच्छा आएगा रिजल्ट, ठीक है। चलो गाइस सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये रिव्यूज हम लोगों के शायद 2 बार रिपीट हो गया।
कोई बात नहीं, चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय, नंबर है मेरा, यहाँ पे इंक्वायर कर सकते हो आप, बाकी सीमैट के लिए mockzone.in/cmat में जा सकते हो।